गुरमीत राम रहीम सिंह के साथ नजर आने वाली हनीप्रीत सिंह 25 अगस्त से फरार है। हर रोज उसके बारे में मीडिया में नई नई खबरें और खुलासे आते हैं, लेकिन असल में हनीप्रीत कहाँ है अभी तक सिवाय उसके कोई नहीं जानता। कुछ ऐसे ही कयास और खुलासे जो हनीप्रीत के बारे में अब तक लगाए गए। सबसे पहले हनीप्रीत को लेकर खबर आई कि उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस इनकार कर रही है। खबर कितनी सच थी अभी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसके बाद हनीप्रीत को लेकर फिर से चर्चा हुई कि यूपी में एक जगह से उसकी कार मिली है, इसी कार के जरिए वे भागी थी और जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी, लेकिन परिणाम फिर से इस बार भी ढाक के तीन पात। अब तक न कार का पता है न हनीप्रीत का। इस सब के बाद हनीप्रीत को लेकर ऐसी खबरें आई कि बाप बेटी का रिश्ता कलंकित होता दिखा। कहा गया कि हनीप्रीत और गुरमीत के अवैध संबंध हैं। आधार बनाया गया हनीप्रीत के पति विश्वास गुप्ता के आरोपों को। हालांकि डेरा इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है। डेरे के मुताबिक ऐसे आरोप बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम करने की साजिश है। अब कुछ दिन पहले फिर से हनीप्रीत की चर्चा होने लगी। कहा गया कि वह नेपाल में देखी गई है, भेष बदल कर टैक्सी में घूम रही है, बुरके में पेट्रोल पंप पर थी। लेकिन एक बार फिर ये बात भी अफवाह के अलावा कुछ नहीं लगी। खुद नेपाल पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ही इस बात को खारिज किया। अभी ताज़ा चर्चा है कि हनीप्रीत राजस्थान में है। हालांकि इस बात में कुछ हद तक सच्चाई दिखी। जिस तरह से पुलिस ने गुरुसर मोड़िया में कई घंटे तक सर्च अभियान चलाया, लगा कि वाकई कुछ है, लेकिन इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वो बात अलग है कि हनीप्रीत वहां सच में थी या ये भी सिर्फ अफवाह ही थी।